CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की उर्दू की पाठ्य पुस्तक अपनी जबान के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम अक्लमंद किसान। पुराने जमाने में भारत में एक राजा राज करता था। ये राजा बहुत रहम दिल था। उसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से पूछा, तो किसान जी, एक बात बताओ, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? हुजूर, 1 रुपया रोज के हिसाब से। 1 रुपया रोज? जी। 1 रुपया रोज कमाते हो? क्या करते हो उसका? हुजूर, चाराने तो रोज खा लेता हूँ और चाराने का कर्ज उतारता हूँ। अच्छा। और चाराने का कर्ज देता हूँ महाराज। और बाकी बचे चाराने तो उन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। क्या, कुएं में फेंक देते हो? जी महाराज। किसान, मैं इसका मतलब नहीं समझा, मुझे इसका मतलब समझाओ। महाराज, चार आने जो खा लेता हूँ वो मेरे ऊपर और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। अच्छा, अच्छा। और चार आने का जो कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है मैं अपने माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने में जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है महाराज। बहुत सही। और चार आने जो कर्ज देता हूँ, हाँ, वो मैं अपने बच्चों पर खर्च कर देता हूँ। अच्छा। ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊँ ना तो वो मेरी खिदमत कर सकें। और चार आने कुएं में फेंकता हूँ तो इसका मतलब है खैरात करता हूँ हुजूर। बहुत खूब, बहुत खूब, हम खुश हुए। किसान, ये लो तुम्हारा इनाम। इनाम? लाइए हुजूर। ये लो, ये लो। लाइए, लाइए महाराज। अरे किसान जी, सुनो, जब तक तुम मेरा मुंह 100 बार न देख लो, तब तक ये बात किसी को नहीं बताना। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं महाराज, बिल्कुल नहीं। किसान ने वायदा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला आया। अगले दिन उसने ये बात दरबारियों को बताई। दरबारियों, तुमने सारी बातें सुनी? तो बताओ, किसान की इस बात का क्या मतलब है कि वो चार आने खा लेता है, चार आने का कर्ज लेता है, चार आने का कर्ज देता है और चार आने कुएं में डाल देता है? दरबारियों, किसान की इस बात का क्या मतलब है? कोई भी उसका मतलब ना बता सका। वजीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार, कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। अच्छा, बहुत खूब। कमाल है, सोच समझ कर बोलना चाहिए।
वजीर उसी दिन उस किसान के पास गया। देखो देखो भाई, महाराज ने मुझे मना किया है। मैं जब तक 100 बार उनका मुंह ना देख लूं, तो मैं इसका मतलब नहीं बता सकता। कोई तरकीब बताओ। मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल इसका मतलब जरूर बताऊंगा। मैं अभी सोच कर बताता हूँ। किसान कुछ देर तक तो सोचता रहा। एक तरकीब तो है, तुम मुझे 100 अशरफियां दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वजीर उसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को उसी वक्त 100 अशरफियां दे दी। लाओ, लाओ, ला, 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 ला। अगले दिन दरबार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा, तो वजीर ने किसान की बात का ठीक ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। सिपाहियों जी महाराज, फौरन किसान को पकड़कर हमारे सामने पेश किया जाए। जी जो हुकुम। जी महाराज। किसान दरबार में आया। महाराज की जय हो। इधर लाओ इसे। किसान, तुमने हमसे वायदा किया था कि किसी को अपनी बात नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वजीर को सब बता दिया। तुमने वायदा खिलाफी क्यों की? सरकार, मैंने आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मर्तबा न देखूं, इस राज को किसी को ना बताऊं। 100 मर्तबा? मगर तुमने तो 1 मर्तबा भी मेरा मुंह नहीं देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियां हैं। उन पर आपकी तस्वीर बनी है महाराज। मैंने 100 अशरफियां देखकर ही ये बात बताई थी महाराज। बहुत खूब बहुत खूब, हम तुम्हारी अकलमंदी से बहुत खुश हुए। हुए ना? हाँ, तो ये लो इनाम। राजा ने उसे 100 अशरफियां और इनाम में दी। किसान खुश खुश अपने घर चला गया। अक्लमंद किसान, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन डॉक्टर चमन आरा, कलाकार परवेज गौहर, शमाइला परवेज और नीरज शर्मा, ध्वनियांकन बटी लैंग लिंगडो और शानु मुक्सीम, निर्माण सहयोग तनु गुप्ता, निर्माण निर्देशन व ध्वनि संपादन वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।